गणित की वैकल्पिक विधियां को आगे बढ़ाते हुए जो हमें 16 सूत्र और 13 उपसूत्र पढ़ने हैं वो वर्ग ज्ञात करने की विधियों में आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व योग की गणना विधि। द्वंद्व योग का मतलब क्या होता है ये हम समझते हैं। द्वंद्व अभी नए नए शब्द आएंगे क्योंकि ये भारतीय शब्द हैं तो इनका इसी का इस्तेमाल जिन्होंने वैदिक गणित में किया था तो ये वैदिक शब्द है तो इनका इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इनमें सूत्र होते हैं मतलब कुछ इनके रूल रेगुलेशन होते हैं तो इनके पांच जो रेगुलेशन हमारे को अभी पास है उनको हम एक एक करके लेते हैं। तो पहला है जैसे एक अंक की संख्या का द्वंद्व योग उस संख्या का वर्ग होता है। मतलब अगर कोई संख्या एक अंक की है एक अंक कहाँ से आएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो इनका जो द्वंद्व योग होगा तो उसका क्या करना सीधा सीधा उसका वर्ग कर देना। इसका मतलब ये हुआ जैसे 2 का द्वंद्व योग 2 का वर्ग अर्थात 4, 3 का करना है तो 3 का द्वंद्व योग 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 है। इस तरह करके ये एक अंक की संख्या का द्वंद्व योग हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन जब 2 अंक की संख्या होगी उसका द्वंद्व योग अगर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा तो 2 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग दोनों अंकों को गुणा करके उसे 2 गुना अर्थात 2 का गुणा करने पर मिलता है। उदाहरण लेते हैं जैसे मान लो 13 है तो 13 का द्वंद्व योग कैसे करना है सब क्या करना है अंक कितने हैं 1 और 3 2 अंक हैं तो इन दोनों का पहले हमें गुणा करना है यानी 1 और 3 का गुणा कर देना है फिर उसको डबल कर देना है। डबल माने दोगुना 2 का गुणा जिसे बोलते हैं तो 1 और 3 का गुणा करके 2 का और उसमें गुणा कर दीजिए यानी जो ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 का गुणा करने पर 3 ही प्राप्त होता है और 3 का दुगुना यानी 3 दूनी 6 एक और अंक है मान लीजिए 15 लेना है तो 1 और 5 यानी 15 कैसे बना है 5 इकाई का 1/10 तो 1 और 5 का गुणा करके 5 एकम 5 और 5 का दुगुना यानी कि 5 दूनी 10 ये निकल आया। और मान लीजिए इसी तरह 27 ले लेते हैं तब तो दुगुना करना है किसको 2 और 7 के गुणे को किसको करना है 2 और 7 का गुणा करना है फिर क्या आ जाएगा ये 2 आ गया 7 दूनी 14 अर्थात ऐसा लिख लीजिए 2 × 14 × 14 = 28 तो ये इसका द्वंद्व योग हो जाता है। इस तरह करके अब हम 3 अंकों का लेते हैं। अब 3 अंकों का जो द्वंद्व योग होता है वो कैसे करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है कि 3 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग पहले और अंतिम को गुणा करके यानी कि जैसे अगर मान लो 3 अंक हैं तो पहले अगर इधर से लें 1, 2, 3 तो पहला और अंतिम क्या इसको ले लें पहला और अंतिम ठीक है इन दोनों का गुणा करके उसको दुगुना करना है करके 2 गुना करने और उसमें बीच के अंक को वर्ग करके जोड़ने से प्राप्त होता है। अब देखिए कैसे करते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 145 का द्वंद्व योग 145 में क्या है पहले और तीसरा कैसे मान लगा इधर से लेते हैं तो पहला ये हुआ तीसरा ये हुआ तो 1 और 5 का गुणा करके दुगुना और बीच के अंक का वर्ग करके जोड़ देना है। तो देखिए प्रक्रिया क्या हुई ये अभी हमको यहाँ पर लिख के करना है बाद में इसको दिमाग से करना है। दिमाग का मतलब होता है हाथ से नहीं इस्तेमाल करना सीधे मौखिक रूप से दिमाग में कैलकुलेशन करके आंसर लिख देना होता है। अभी शुरुआत में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो 5 और 1 का गुणा हो गया 5 इसका दुगुना अर्थात 5 दूनी 10 और 4 का वर्ग होता है 16 तो 5 दूनी 10 और 16 हो गया 26 इस तरह इसका द्वंद्व योग निकलता है। एक और अंक लेते हैं मान लीजिए 237 ले लिया इसका द्वंद्व योग निकालना है। तरीका क्या है पहला और अंतिम इधर से ले लीजिए चाहे इकाई ढाई सैकड़ा तो पहला और अंतिम वैसे इधर से अपन काउंटिंग तो यहां से करेंगे ना तो पहला और अंतिम का गुणा करके तो ये पहला और अंतिम तो यही है इसका गुणा करके इसका 2 गुना ये बात समझ में आई और बीच के अंक का वर्ग बीच का अंक क्या है इस वक्त 3 है तो 3 का वर्ग। अब ये या तो अभी प्रैक्टिस नहीं है तो धीरे धीरे अलग अलग कर लीजिए तो जैसे 2 और 7 दूनी 14 ये और 3 का वर्ग 3 तिरकाई 9 अब इसका गुणा कर लीजिए 14 दूनी 28 और धन 9 अर्थात 9 8 17 की 7 और हासिल का 1 37 तो ये इसका द्वंद्व योग निकलेगा।
अभी चूंकि जैसे जैसे संख्याएं बड़ी होंगी या वो आंकड़े बड़े होते जाते हैं तो इनका हम इस्तेमाल करके मिनटों में मतलब सेकेंडों में कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसलिए इनको जानना जरूरी है। अभी देखने में लग रहा है कि या जितना आप ही करा रहे हैं उससे तो हम डायरेक्ट कर लें, नहीं ऐसा नहीं होता। जितने भी ये मेथड है वो आपके गणना को सरल करने के लिए है, मतलब आसान करने के लिए होते हैं। तो वैदिक गणित का यही चमत्कार होता है। आगे लेते हैं चौथा नंबर। अब चार अंकों की संख्या का द्वंद्व योग अगर मान लो, जैसे एक का देख लिया, दो का देख लिया, तीन अंक वहां तक कर लिया, चार अंक है तब क्या करेंगे? तो चार अंकों की संख्या का द्वंद्व योग मालूम करना हो तो पहले और चौथे के द्वंद्व योग में, मतलब पहले और चौथे का गुणा करके डबल कर लो, और फिर दूसरे और तीसरे अंक का द्वंद्व योग, तीसरे तो बीच का जो दो अंक बचेंगे उन दोनों का गुणा करके दुगुना करके जोड़ दें तो प्राप्त होता है। दिमाग चकराए नहीं, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर चार अंक दिए हुए हैं, मान लो 1,346, 1,346, ठीक है, इसका द्वंद्व योग करना। तो पहले और चौथा, पहले और चौथा कौन सा है? पहले एक और छह, पहले और चौथे का द्वंद्व योग यानी दो उसका गुणा करके दुगुना, बीच के अंक यानी तीन और चार का गुणा करके उसका दुगुना, फिर इनको जोड़ देना। तो चलो शुरू करते हैं। छह में एक का गुणा किया छह, उसमें दुगुना माने दो का गुणा, चार में तीन का गुणा किया 12, उसका दुगुना अर्थात ये दो का गुणा। अब 6 दूनी 12 तो ये निकल आया, धन ये है, और 12 दूनी 24, उन दोनों को जोड़ के निकाल लिया 36। अब एक और अपने से लेते हैं, तो मान लीजिए 1,752 ये ले लेते हैं, इसका द्वंद्व योग निकालते हैं। क्या करना पड़ेगा? पहले और चौथा, पहला इधर से लेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहला और चौथे का गुणा उसका दुगना, ये दुगना लगा लिया, पहला और चौथा यानी कि एक में दो का गुणा, फिर धन बीच के अंकों का द्वंद्व योग, द्वंद्व योग माने ये दुगना करके 7 में 5 का गुणा, यही हुआ। अब देखिए इनको क्या करना, हल कर देना है बस। तो 2 एकम 2 में इस 2 का गुणा, और 2 में 7 पना 35, इस 35 का गुणा। अब बस कुछ करना नहीं है, इसको जोड़ देना है, 2 दूनी 4 और 35 दूनी 70, और इसका द्वंद्व योग आ गया 70 धन 4 अर्थात 74। ऐसे इसके द्वंद्व योग निकाले जाते हैं। अब जब इसका हम सवाल हल करेंगे बड़ा मजा आएगा इनको करने, बहुत मजा आता है। अभी इस नियम सीख लीजिए फिर उसको मजा लेते हैं इसके। अब 5 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग कैसे करते हैं? तो अब इसमें तरीका वही है कि पहले और 5वें अंक की संख्याओं का द्वंद्व योग निकाल लेंगे, यानी पहले और 5वें का गुणा करके 2 का गुणा कर देना, फिर दूसरे और चौथे का ले लेंगे, यानी कि दूसरे स्थान पर चौथे स्थान की संख्या का आपस में गुणा करके 2 का गुणा कर लेंगे, और बीच का बचेगा भी, तो बीच का क्या करना है? तीसरे स्थान की संख्या का द्वंद्व योग। अब बीच का जो सिंगल अंक होता है, अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो भी सिंगल अंक होता है उसका सिर्फ सीधा सीधा वर्ग किया जाता है, तो उसका अर्थात वर्ग कर देंगे और क्या करेंगे उसको सबको जोड़ देंगे। अगर और इससे ज्यादा बड़ी संख्या हो जाए, मान लो 6 अंक आ गया, 7 अंक आ गया, तो क्या करना है? इसी प्रकार और बड़ी संख्याओं का द्वंद्व योग ज्ञात किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि इस नियम का इस्तेमाल करते हुए हम चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका द्वंद्व योग निकाल लेते हैं। अब जैसे ये 5 अंक वाला है तो जरा इसको भी करके देखते हैं। मान लो 1 अंक ये लिखा है 34,256, तो 3, 4, 2, 5, 6, इसका द्वंद्व योग। तो पहला और पांचवा, जैसे ये वाला कह रहे हैं पहला और पांचवा, 2 लगा के पहला और पांचवा, यानी पहले की जगह 3 है, 5वें की जगह 6 है, में गुणा करना, नहीं मतलब जोड़ना है दूसरे और चौथे का। ये दूसरे में दूसरे अंक पर 4 है, चौथे पर है 5, तो 2 गुणा 4 गुणे 5 यानी इसका दुगुना, और बचा बीच का ये 2, तो इसका 2 का वर्ग कर देना है। अब इन सबको जोड़ देना, तो हल कर लीजिए। तो 6 तरीक 18, इसका दोगुना करना है अभी, 5 चौके 20, इसका दोगुना करना है, और 2 दूनी 4 तो वर्ग कर लिया, अब जोड़ दिया 18 दूनी 36, 20 दूनी 40, और 4 तो है ही, अब इन सबको जोड़ दीजिए। तो 6 0 और 4 6, 4 10 की 0 हासिल कर 1, और 4 3 7 और 1 8,
इस तरह इसके ये द्वंद्व योग हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अब ये द्वंद्व योग सीखा है, उस द्वंद्व योग से अब हमें वर्ग ज्ञात करना है, उसके भी रूल रेगुलेशन सीख लेते हैं, फिर हम द्वंद्व योग का वर्ग ज्ञात करने का काम करेंगे। तो जो उसका पहला नियम ये बताता है कि जिस संख्या का वर्ग मालूम करना है वो एक अंक की है या दो अंक की है, तीन अंक, चार अंक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि द्वंद्व योग हम सीख चुके हैं। अब तो जिस अंक का संख्या का वर्ग मालूम करना है उसमें दाहिनी ओर से एक एक कर बढ़ती हुई और फिर एक एक कर घटती हुई संख्या में अंक लेकर समूह बनाते हैं। देखिए दाहिनी ओर यहाँ से तो ऐसे बताया गया है कि इधर से ऐसे खड़े हैं ना, तुम्हारा दाहिना हाथ इधर होगा, लेकिन अगर ऐसे देखेंगे तो ऐसा बायां हाथ है। आप चाहे ऐसे से ऐसे ले लो, चाहे ऐसे से ऐसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आगे भी समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक अंक दिया है वो 31, तो यहाँ पर क्या है, इकाई और दहाई। अब दो अंक है तो दो अंक के समूह कैसे बनेंगे, तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, इधर से शुरू करेंगे तो पहले अंक आएगा 3, फिर उसको आगे आगे 3 और 1 यानी बढ़ते क्रम में, फिर दोनों अंक आ गए तो अब घटाओ कम करो, तो अब तो इधर तो ये वाला अंक हटा देंगे तो बचेगा 1, ऐसे यानी पहले 3 ले लिया, फिर 3 और 1 को शामिल कर लिया, फिर जब दोनों पूरे आ गए दो अंक तो फिर आखिरी वाले अंक को ले लिया। अब जैसे 3 अंक में ले लेते हैं तो 4, 6, 5 इसका समूह लेते हैं, तो पहले 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 वाले अंक को लेंगे, फिर 2 अंक लेंगे, फिर बढ़ते हुए 3 अंक लेंगे। अब जैसे अब ये बढ़ गया, जितना अधिकतम बढ़ना का बढ़ गया, अब पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे तो मतलब अब आ जाएगा ये 4 वाला काम खत्म हो गया, तो अब 6, 5 और ये 5 ऐसे करके इनका समूह बनेगा। ये क्या कर रहे हैं, हम लोग समूह बना रहे हैं। 4 अंक का ले लेते हैं, 2, 3, 4, 6, तो जैसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 2, 3, फिर आएगा 3 अंक तक 2, 3, 4 और 2, 3, 4, 6 ये अधिकतम हो गया। अब 1-1 कम करो, यानी पहले से 2 खत्म हुआ तो आ जाएगा 3, 4, 6, फिर 4, 6 और ये 6। अब मान लीजिए 5 अंक का भी ले लेते हैं, एक और भी ले लूँगा, 2, 6, 5, 6, 7, 8 ऐसा ले लेते हैं, कोई भी। तो पहले शुरू करते हैं, पहला वाला कितना है 2 समूह, फिर आएगा 2 और 5 बनेगा, फिर 2, 5, 6, 2, 5, 6, फिर 4 अंक तक, तो 2, 5, 6 और 7, फिर पूरे अंक तक, तो 2, 5, 6, 7, 8। देखिए अधिकतम अंक आ गए। अब 1-1 कम कर करिए, मतलब आप इधर के अंक लेंगे तो 5, 6, 7, 8, फिर एक और कम कर लीजिए तो 6, 7, 8, 6, 7, 8, फिर इधर के 2 यानी कि 7 और 8 और अंत में बचा ये 8। ये बात समझ पा रहे हैं, ऐसे तो इनका समूह बनाना है। अब ये समूह आपने सही बनाए हैं या नहीं ये भी साथ जानना जरूरी है। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि नियम में आगे ये जोड़ दिया गया कि ध्यान दें, मतलब आप ध्यान रखिए कि किसी संख्या के वर्ग हेतु, यानी जो भी अभी ये द्वंद्व योग से वर्ग करेंगे, तो द्वंद्व योग के लिए बनाए गए अंक समूहों की गिनती दी हुई संख्या में, यानी ये जो संख्या दी हुई है, अंकों की गिनती के 2 गुने से 1 कम होती है। सपोज जैसे यहाँ पर है 3, तो सर 2 अंक है तो 2 का 2 गुना कितना हुआ, 4, 4 में से 1 कम यानी 3, तो ये 3 अंक आ गए। बस समझ में ये चेक करना है, इसे चेक करें। अब यहाँ पर 3 अंक है तो 3 का 3 गुनी 6, 6 में से 1 कम यानी 5, तो देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक हो गए। तो इसका मतलब आपने सही समूह बनाए हैं, ध्यान रखना है। समूह अगर आपने गलत बना दिए तो फिर आगे काम फेल हो जाएगा। अब ये 4 अंक है तो 4 अंक में कितने होंगे, 4 का डबल 4 दूनी 8 अंक, 8 से 1 कम यानी 7 अंक, यानी कि इसका जो समूह बनेगा उसमें 7 अंक होंगे, गिन लीजिए। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 7 अंक हो गए पूरे। अब ये 5 अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक का दुगना, इसके समूह कितने बने, 5 अंक के दुगने, 5 दुगने 10, 10 में से 1 का भी नहीं, 9 अंक मिलने चाहिए। अगर आपके पास 9 अंक बना लिए हैं समूह में तो ये आपका समूह सही हुआ, अदरवाइज ये फिर आपका कैलकुलेशन कहीं नहीं फिट होगा।
तो शुरू करते हैं, ये हुआ एक, ये हुआ दो, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, ये नौवा, यानी पांच दूनी दस में से एक कम नौ। तो इसका मतलब हमारा समूह सही हो गया। अब इस नियम को अप्लाई करना है और अपना इस्तेमाल करता है। एक और इसमें नियम है, वो भी समझ लेते हैं, फिर सवालों पर आते हैं। अब इसका जो है दूसरा जो मेथड था कि द्वंद्व योग से वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समूह बना लेते हैं, फिर जितने समूह हैं जो वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उतने ही खंड बना लेंगे, ठीक है, उतने ही खंड होंगे, और प्रत्येक खंड में उस खंड के संगत अंक समूह का द्वंद्व योग लिखेंगे, जो जो अभी हमने किया है उसको करेंगे, लिख देंगे। और यह काम चाहे तो दाहिने से बाईं ओर कर लीजिए और चाहे बाएं से दाहिनी ओर कर लेंगे, और नियम का बस पालन कर रहे हैं। एक उदाहरण लेके समझने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 31, अब इसका वर्ग ज्ञात करना है, क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या किया बताया था कि इनका पहले आपको समूह बनाना है, तो समूह बनाएंगे तो सबसे पहले समूह बनेगा तीन, तीन एक और एक, ये तो हमारा पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में क्या करना है, इनका द्वंद्व योग निकालना है। तो सबके पहले अलग अलग करेंगे, बाद में फिर हम प्रैक्टिस जैसे होगी तो हम बिल्कुल रफ्तार से करेंगे। तो तीन का द्वंद्व योग, तीन का द्वंद्व योग, तीन का द्वंद्व योग कितना हो जाएगा, पहले एक अंक होता है तो उसका द्वंद्व योग अभी हम पढ़ चुके हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसका वर्ग कर देंगे। तो तीन का द्वंद्व योग होता है तीन का वर्ग, अर्थात तीन तिरका नौ, पहला काम। इसका दो अंक का द्वंद्व योग, अभी तीन के बाद तीन एक, चूंकि हमारे समूह में तीन समूह है तो तीनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। इसके बाद इसका द्वंद्व योग कितना हुआ, देखिए इसमें के दो अंक रहते थे तो क्या करना पड़ता था, दुगना करना था दोनों अंकों का गुणा करके, ये करना था, अर्थात इस दो का दो तीन एकम तीन दूनी, अर्थात इसका द्वंद्व योग आ गया ये छह। फिर अभी एक अंक और है, तीसरा अंक, तो तीसरा अंक ये रहा। तो एक अंक का वर्ग द्वंद्व योग क्या होता है, उसी का वर्ग, अर्थात ये आता है, यानी एक अंक ये निकला, एक अंक ये निकला, एक अंक ये निकला। अब वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, क्या ये जो है इनका द्वंद्व योग करने के लिए इनके क्या करना पड़ता है, जैसे ये तीन है ना, 31 और एक, इनका क्या करना पड़ता है हमें, खंड बना लेते हैं। तो खंड कैसे बनते हैं, ऐसे ऐसे ये खंड हो जाते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, 31 का वर्ग और जो जो भी खंड बनाए थे उनके सामने वही वही अंक उतार देने हैं। पहले खंड में चाहे आप इधर से इधर लिखें, चाहे इधर से इधर लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ना। तो तीन के सामने कौन सा था, ये था नौ पहले खंड का, इसके बाद था बीच वाले खंड में इसका द्वंद्व योग था छह, इधर वाले खंड का द्वंद्व योग था एक, अर्थात अब तीनों को मिला देना है तो नौ छह और एक, अर्थात 961, ये हमारा इससे वर्गमूल निकल आएगा द्वंद्व योग विधि से। अभी देखने में बड़ा अटपटा लग रहा है लेकिन अब जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा मजा आता है इसको। अब एक और उदाहरण लेते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। अब ये ले लेते हैं, अब दो एक संख्या और बदल ले लेते हैं, 64। अब 64 का वर्ग, अब हम अलग अलग नहीं लिखते हैं, जरा स्पीड से करने की कोशिश करते हैं कि जिससे आपको मजा आने लगे। देखिए सबसे पहले समूह बनाएंगे, समूह में पहले चाहे इधर से इधर बनाइए, इधर से इधर, इधर से मान लीजिए हम बना रहे हैं, ये बना छः, अब ये अलग अलग लिख रहे थे, अब सीधे सीधे हम समूह का ये खंड खंड में लिखेंगे। दूसरे खंड में आ जाएगा ये बढ़ता हुआ छः चार, फिर अंत में चार, बस यही तो करना था। अब अगला चरण क्या था, अगला चरण ये था कि जो भी आपने लिखा है इनका द्वंद्व योग कर दीजिए, तो चाहे इधर से इधर करिए चाहे इधर से इधर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब आप लिखना कैसे ये थोड़ा ध्यान रखना है, अगर मैं इधर से इधर चलता हूँ तो क्या होता है, देखिए छः का द्वंद्व योग होता है 36, छः का वर्ग, ठीक है जी, एक अंक का। इसका द्वंद्व योग कैसे निकला गया, दो में गुणा कर देना है छः और चार का, ठीक। इधर वाले का क्या आता है, चार का वर्ग अर्थात 16। और अगर अगर आपको अलग अलग लिखना है तो फिर से लिख लीजिए एक बार, एक चरण हो जाए, ये ले लीजिए छः का वर्ग और ये चार का वर्ग, क्यों,
क्योंकि एक एक अंक का जो द्वंद्व योग होता है उसका द्वंद्व योग वर्ग होता है, ठीक है। तो अब हमने लिया 6 का वर्ग हो गया 36, और ये 6 चौके 24 दूनी 48, और यहां आ गया 4 चौके 16। अब देखिए यहां पर दो अंक हैं, यहां पर भी दो अंक हैं, यहां पर भी दो अंक हैं, लेकिन जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर में क्या करना है, आंसर तो यहां इकाई से शुरू होता है ना, तो इकाई में दो अंक एक साथ नहीं आ जाएंगे। देखिए यहां पर इकाई के साथ दहाई भी है, और दहाई हम जो है हम हमेशा क्या करते हैं, हासिल के दूसरे वाले में जोड़ते हैं, यही तो करते हैं, क्योंकि इकाई ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, ऐसे करके बढ़ते चलते हैं। तो ये जितने अंक बढ़ेंगे, तो देखिए इकाई में क्या है, यहाँ पर इकाई और दहाई दो अंक लेके आ गया है। तो अब इसको थोड़ी यहां से अब हल करने का तरीका क्या है, जब आंसर लिखना है तो इसका इकाई अंक अर्थात ये 6 लिखेंगे, लेकिन इसका एक जो है इधर जोड़ देंगे, दहाई में चला जाएगा। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये 48 में से एक इधर आ जाएगा, ये बात समझ रहे हैं। यही हाल इसमें भी दो अंक निकलेंगे, क्योंकि दो अंक है तो दो अंक में तो क्या दहाई के साथ सैकड़ा हो जाएगा, तो सैकड़ा नहीं बनाना, पहले जोड़ के पहले बना लेने हैं, तो उसके बाद फिर अभी इधर कुछ नहीं करना है, इधर ये से लिख लीजिए, क्योंकि ये इधर से अंक निकल के आएगा। अब आगे देखिए, ये अभी भी 36 है और ये इधर आ गया है 6, और ये 48 एक 49। मैं एक एक स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप, जिससे आपको दिक्कत ना आए, यहाँ तक समझ में आए। अब इसको जो है यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये 49 में से देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, और ये दहाई का अंक है, सैकड़ा इसमें 4 आ गया, इसको क्या करेंगे, फिर रिप्लेस करेंगे इधर, तो इसको फिर से लिख लेते हैं, ये है 36 और इधर आया था 49 और इधर आया था 6। अब यहां पर देखिए इकाई दहाई में एक अंक होना चाहिए, तो यहां पर दो अंक है, तो अब ये क्या करेंगे, ये इधर आ जाएगा, इसका मतलब हो गया ये 36 और ये इधर 4 उठ के इधर आ जाएगा, तो धन 4 और इधर बचा 9, इधर बचा 6। इकाई में 6, दहाई में 9, अब जो सैकड़े के बाद इधर आएगा तो इधर तो खाली है, जाने दो जितना जाता है। तो हमारा आंसर जब बनेगा तो इधर तो अभी 6 है, इधर है 9 और इधर है 36, 4 40। अब आंसर लिखने देखिए, सैकड़े के बाद ये इधर हजार में चला गया, क्योंकि इधर जगह खाली है, जाने दो, इधर इधर तो कुछ अंक है ही ना, हमारे पास 3 ही अंक थे ना, 1 2 3, तो 3 अंक के जवाब, तो इकाई फिर दहाई में भी एक अंक, सैकड़े में भी, अब सैकड़ा भले हजार में चला गया, इधर से हमारा फाइनल आंसर आना है। तो अब इनको जोड़ के लिखेंगे 4 0 9 6, ये इस तरह हमारा जवाब होगा। ध्यान रखना है एक एक अंक ही बीच में रखना है, आखिरी में जो भी हिसाब किताब हो जाएगा वो 2 अंक 3 अंक कहाँ जाता है उससे हमारा कोई कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, यही इसका वर्ग होता है। ये बात समझ पा रहे हैं, मिलते हैं कुछ और सवालों के साथ अगले वीडियो में।